हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फातिह वर्सेस पंजाब वॉरियर्स के बीच में होने वाला 26 T10 मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच भारत के टाइम के अनुसार रात 12 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी लगभग 3 घंटा बाकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैच इब्राहिम विदेरेस क्रिकेट ग्राउंड गिरोना स्पेन में खेला जाएंगे। अगर लीग की बात करें तो फ्रेंड्स, ये लीग का नाम है फैनकोड ईस्ट स्पेन बार्सिलोना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर बॉलर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के आपको यहाँ पर 50+ प्लेयर्स मिलेंगे। इसमें हम लोग टॉप 11 प्लेयर को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल का काम नहीं है, बहुत आसान होने वाला है। जस्ट आपको मुझे फॉलो करना है। फ्रेंड्स, मुझे फॉलो करके आपको यहाँ पर टॉप 11 प्लेयर मिल जाएंगे। ये टॉप 11 प्लेयर्स को लेकर आप किसी भी लीग हो, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड हो, मिनी ग्रैंड लीग, जो भी लीग आप खेलना चाहोगे फ्रेंड्स, आप इजीली जीत सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। पहले बार आप मेरे चैनल पे आए तो फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक और काम करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर जाकर इस तरह सर्च करना, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे, इस तरह सर्च करते ही मेरा चैनल शो हो जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो विकेट कीपर्स हैं, जल्दी से जाकर विकेट कीपर को पिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर तो पहला प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर हरजिंदर सिंह, अभी तक नहीं खेले हैं फ्रेंड्स इस सीजन में। 5 मैच में 11 बनाए, 11 के औसत है। तो फ्रेंड्स, इस प्लेयर को काट दीजिए। और लखवीर सिंह की बात करें तो नॉट प्लेयर फ्रेंड्स, 3-33-0-0 है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद जगदीप सिंह, यहाँ पर लास्ट 3 मैचेस नहीं खेले फ्रेंड्स, 13-8-0-7 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्लेयर को भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तेजपाल सिंह की बात करें, सेकंड नंबर पर बैटिंग करते हैं। यहाँ पर बात करें 4-5-15-4-7-0+3 विकेट, 35+1 विकेट है। तो फ्रेंड्स, ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर तेजपाल सिंह यहाँ पर विकेट कीपिंग नहीं करने वाला है। और कुलदीप सिंह की बात करें, 5th नंबर पर बैटिंग करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 0-10-2 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लखवीर सिंह के अलावा यहाँ पर किसी भी बैट्समैन के भी खास स्टैट्स नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टी सिंह है, जय सिंह है, यहाँ पर के सिंह है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लखवीर सिंह यहाँ पर कम मैचेस खेले हैं, तो यहाँ पर आपको जय सिंह पे ही जाना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैं विकेट कीपर को पिक कर चुका हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आगे बैट्समैन की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैट्समैन की एक लंबी लिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पूरे 17 बैट्समैन को कवर किए। इस 17 में हम लोग यहाँ पर टॉप 4 से 5 बैट्समैन को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्लेयर हरगुरजीत सिंह, यहाँ पर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स 0-3 नॉट प्ले, 6-8 है फ्रेंड्स, अवॉइड कीजिए। उसके बाद गुरविंदर सिंह 4-24-8-14-12 है फ्रेंड्स यहाँ पर, इस प्लेयर को भी मत लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। भवनदीप सिंह की बात करें 6-1 नॉट प्ले 1-5 है, तो इस प्लेयर को भी अवॉइड कीजिए। शांतनु शर्मा की बात करें, दोनों मैच में 0 है, नॉट प्ले 11-6 है, तो अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स इस प्लेयर को भी। उसके बाद सर्जिल खाइसर की बात करें, 0 विकेट 14+0 विकेट 0 विकेट 13+0 विकेट 10+1 विकेट। तो फ्रेंड्स, हर मैच में गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन विकेट्स नहीं मिल रहा, तो ये बैट्समैन है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और देवेंद्र सिंह की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर 0+2 विकेट और यहाँ पर 3 मैचेस नहीं खेले, 0 विकेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्लेयर को भी अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद गुलरेज हुसैन की बात करें तो फ्रेंड्स 0+0 विकेट 1 विकेट 11+1 विकेट 1+0 विकेट और 0 विकेट है, तो फ्रेंड्स नहीं लेने वाला। उसके बाद नबील खाइसर की बात करें तो ओपनिंग भी करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 3-4 0+0 विकेट नॉट प्ले और 1 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद जुबेद मियाँ को यहाँ पर टीम में 100% लीजिएगा, 11-22-19-0-56 है फ्रेंड्स। तो जुबेद मियाँ को अब मैं अपने टीम में ले रहा हूँ। उसके बाद साकिब मोहम्मद की बात करें तो फ्रेंड्स ऑलराउंडर है, इनकी रोल एक्चुअल ऑलराउंडर है फ्रेंड्स यहाँ पर, 22+1 विकेट 14+1 विकेट 16 5+0 विकेट और 0 है फ्रेंड्स यहाँ पर। फाहिम अली की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 है। विक्रमजीत सिंह की बात करें 29-8-3 27-23-10 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर विक्रमजीत सिंह को भी कंफर्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। गुरप्रीत सिंह की बात करें 13-6-5 22 नॉट प्ले 2 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसका परमजीत सिंह की बात करें तो नॉट प्ले 3 मैचेस हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, 2+1 विकेट और 0 है। उसके बाद यहाँ पर तजिंद्र सिंह की बात करते फ्रेंड, नॉट प्ले 9+1 विकेट 8+0 विकेट 0+1 विकेट 24+0 विकेट 20+0 विकेट और 1 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर तजिंद्र पाड़ा की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मैच में नहीं खेले लास्ट 2 मैच और 4 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। पलविंदर सिंह 12+1 विकेट और नॉट प्ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 बैट्समैन में यहाँ पर हम लोग 3 बैट्समैन पे जाने वाले हैं। जुबेद मियाँ को मैं लेने वाला हूँ फ्रेंड्स, साकिब मोहम्मद को भी और यहाँ पर विक्रमजीत सिंह। यहाँ पर ये 3 प्लेयर आपको काफ़ी है फ्रेंड्स यहाँ पर, दूसरे प्लेयर पर जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जुबेद मियाँ है, फिर यहाँ पर टी सिंह ताजवीर है फ्रेंड्स यहाँ पर, बी सिंह को आप ले सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर।
उसके बाद खाई सर है, डी सिंह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पी सिंह कौर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं करना फ्रेंड, एक ताजवीर को आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तीन प्लेयर आपको काफ़ी है। उसके बाद आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 17 में हम लोग तीन बैट्समैन को लिए, तो पूरे स्टैट्स देख के पिक किए फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर ऑलराउंडर्स में यहाँ पर मैं जी बाल को 100% कन्फर्म कर रहा हूँ फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर बाकी कौन कौन ऑलराउंडर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अभी एस मोहम्मद की बात करें तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं साकिब मोहम्मद है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 22+1 विकेट है, और यहाँ पर फिर ज़्यादा विकेट्स नहीं लें, लेकिन यहाँ पर इनकी स्टैट्स हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर देखना तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, साकिब मोहम्मद है फ्रेंड्स यहाँ पर 22+1 विकेट, 14+1 विकेट, 16+5+0 विकेट और 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख चुका था ऑलराउंडर हैं। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स की पिक करने की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर को जल्दी से पिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ऑलराउंडर्स की बात करें तो बहुत कुछ प्लेयर्स हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मजिंदर सिंह है, इनकी बात करते फ्रेंड्स यहाँ पर 11+3 विकेट, 14-13+ कोई विकेट नहीं, 1 रन, 15+ कोई विकेट नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद शफीकुल इस्लाम की बात करते फ्रेंड्स 2+0 विकेट, 12+0 विकेट, 6+2 विकेट, 1+0 विकेट, 12+3 विकेट है। कुलदीप सिंह की बात कर 0+1 विकेट, 13 रन नॉट आउट, 0 विकेट, 5 रन नॉट आउट, 0+1 विकेट, 3+2 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद देवेंद्र सिंह कौर की बात करते फ्रेंड्स 5/16 नॉट प्ले, 12/33 है। तो उसके बाद मोहसिन अली की बात करते हो 24+0 विकेट, 30+0 विकेट, 0+0 विकेट और 0+1 विकेट, 21+2 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। फोर्थ नंबर पर बैटिंग भी करते हैं, कभी काल फेस बॉलिंग भी करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। गगनदीप की बात करते फ्रेंड्स यहाँ पर हर मैच खेल रहे हैं लेकिन कोई खास स्कोर नहीं है, 1+0 विकेट, 0+1 विकेट, 12+0 विकेट, 0+0 विकेट, 9 रन नॉट आउट, कोई विकेट नहीं, 32 रन, कोई नॉट आउट, 2 रन प्लस 1 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अमनदीप सिंह है फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट प्ले, 2/14+1 विकेट, 6 रन और यहाँ पर नॉट प्ले है। उसके बाद उबैद उल रहमान की बात करें तो 4 रन, कोई विकेट नहीं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट 4 मैचेस में इनको 4 विकेट मिला है फ्रेंड्स यहाँ पर। गुरजीत सिंह की बात करें तो फ्रेंड 2+1 विकेट, 27+1 विकेट, 11+2 विकेट, 1 रन नॉट आउट, 1 विकेट, 0+0 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 में हम लोग 3 बॉलर्स को यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा 3 ऑलराउंडर्स पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एस मोहम्मद है, एस असलाम है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 2 से 3 ऑलराउंडर को लीजिए, मजेंद्र सिंह लवली को आप ले सकते हैं, उसके बाद एस मोहम्मद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ऑलराउंडर आपको काफ़ी है। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बॉलर्स की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग को 4 गेंदबाज पिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो 14 में हम लोग 4 बॉलर्स को पिक करने वाले हैं। तो पहला बॉलर है नगमन हुसैन, 0+0 विकेट, 3+0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट नॉट प्ले फ्रेंड्स यहाँ पर। और गुरविंदर सिंह सीनियर रेफरेंस यहाँ पर 0 विकेट, 0 रन नॉट आउट, 0 विकेट, 1 रन, कोई विकेट नहीं और यहाँ पर 3 विकेट, 3 विकेट, 6 विकेट लिए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स उसके बाद राजीव सिंह है, अगर इनकी बात करते तो 16 मैच में 137 रन बनाए, 12.45 एवरेज है, 16 मैच 12 इनिंग्स में 6 विकेट लिए, 11.18 इनकी इकॉनमी है। और मनवीर सिंह की बात करें तो फ्रेंड्स बॉलर है, यहाँ पर 0 विकेट, 1 रन, 0+2 विकेट, 0, 10 रन और 1 विकेट है। मशिकुर रहमान की बात करें तो फ्रेंड्स अभी तक एक भी मैच नहीं खेले फ्रेंड्स यहाँ पर, 26 मैच में 230 रन बनाए, 19.16 इनकी एवरेज है, 26 इनिंग्स में 15 विकेट लिए, 9.97 इनकी इकॉनमी, अभी तक नहीं खेले फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद रणदीप सिंह की बात करते 0+1 विकेट, 0+2 विकेट, 0 रन नॉट आउट, 2 विकेट, 1 रन, 10 रन, कोई विकेट नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट 3 मैच में इनको 5 विकेट मिला। वजीद इकबाल की बात करते 0+0 विकेट, 1 विकेट, 7+0 विकेट, 22+2 विकेट नॉट प्ले फ्रेंड्स यहाँ पर। अमनवीर सर शरण की बात करते फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मैच 0-0 नॉट प्ले फ्रेंड्स अवॉइड कर दीजिए। चरणजीत सिंह की बात करते फ्रेंड्स नॉट प्ले 2, नॉट प्ले 0, 1+1 विकेट, 0 विकेट है, तो अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स इस प्लेयर को। और बलविंदर सिंह की बात करते 18 रन, 2 विकेट, 7+2 विकेट, 9+1 विकेट, 13+, कोई विकेट नहीं, 9+2 विकेट। तो फ्रेंड्स ये प्लेइंग 11 पे है, तो फ्रेंड्स 100% इस प्लेयर को लीजिएगा। हरदीप सिंह जूनियर की बात करें 11+, कोई विकेट नहीं, 3 रन, 1 विकेट, 8 रन, 3 विकेट, 0+0 विकेट और 6 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद मनप्रीत सिंह की बात करें 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 रन नॉट आउट, कोई विकेट नहीं। और परमवीर सिंह की बात 0+1 विकेट, 10+1 विकेट, 0 विकेट, 1+1 विकेट, 4+, कोई विकेट नहीं और 1 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। तरनदीप सिंह की बात करते फ्रेंड्स 18 रन, कोई विकेट नहीं और यहाँ पर 1 रन, कोई विकेट नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 14 में हम लोग 4 बॉलर्स को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस बॉलर को आपको लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुरविंदर सिंह सीनियर को ट्राई कर सकते हैं, कुछ मैचेस में कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर 3-3 विकेट लिए हैं, जब लिए हैं तो अच्छे विकेट्स लिए हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर रिस्क लेकर आप इस प्लेयर को ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर रणदीप सिंह की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट 3 मैचेस से इनको 5 विकेट मिले, तो यहाँ पर इस प्लेयर को आप ले सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर वकास इकबाल, वाजिद इकबाल को अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। बलविंदर सिंह है, इनको 100% टीम में लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। हरदीप सिंह जूनियर है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स उसके बाद कोई नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो कुछ बॉलर्स है फ्रेंड्स यहाँ पर, रणदीप सिंह को मैं यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर पी सिंह है,
उसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स एनोशन ने बलजीत सिंह अभी तक नहीं खेले, लेकिन यहाँ पर मैं अगर ये खेलता तो इनको जरूर मैं पिक करूँगा फ्रेंड्स। उसके बाद एम सिंह सिद्धू है, तो फ्रेंड्स देख सकते हो मेरा एक टीम बन गया। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, जी बाल को मैं कैप्टन बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, और मजेंद्र सिंह लवली को मैं वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ। अगर टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, यहाँ पर जय सिंह को मैंने यहाँ पर विकेट कीपिंग में लिया, बैट्समैन में जुबेद मियाँ, ती सिंह ताजवेद, डी सिंह है फ्रेंड्स यहाँ पर, और ऑलराउंडर्स में मजेंद्र सिंह लवली, एस मोहम्मद और जी बाल है। यहाँ पर गेंदबाजी में आर सिंह, पी सिंग, बी सिंह और एम सिंह सिद्धू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में जी बाल और एम सिंह लवली को मैंने लिया फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे टीम स्क्वाड के स्टार्ट मैंने कवर किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कॉमेंट जरूर करना, और यहाँ पर अगर लिंक टेलीग्राम का ओपन नहीं होता, स्टार्टिंग मैंने बताया अभी भी बता रहा हूँ, अगर लिंक ओपन नहीं होता तो फ्रेंड टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट भी शत्रुघ्न चौबे सर्च कर दे, मेरा चैनल शो हो जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पर एक 26th T10 मैच है फ्रेंड्स फैनको डीसी स्पेन बार्सिलोना के, और ये मैच रात 12 बजे होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर इब्राहिम विदरस क्रिकेट ग्राउंड स्पेन में खेला जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाब वॉरियर्स यहाँ पर इस प्रकार है फ्रेंड्स, यहाँ 5 मैच में 1 मैच जीते और 4 मैच हार गए, और फाते 6 मैच में 1 मैच जीते, 3 मैच हार के, 2 मैच कैंसिल हुआ था फ्रेंड्स बारिश की वजह से। और यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में देख सकते हैं एफ टी एच यहाँ पर 7th पोजीशन, PW यहाँ पर लास्ट पोजीशन पर है फ्रेंड्स। यहाँ पर पिच बैलेंसड रहने वाला है, 85 to 100 runs बन सकता है, ब्रोकन क्लाउड से फ्रेंड 15.47°C होने वाला है। अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो FTH के यहाँ पर 90%, पंजाब वॉरियर्स की 10%। वो क्यों है फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो दोनों टीम की फॉर्म सेम है, यहाँ पर फाते टीम ने लास्ट 5 मैच में 2 मैच जीते हैं, 3 मैच हार हैं, और यहाँ पर पंजाब वॉरियर्स यहाँ पर 1 मैच जीते हैं, 4 मैच हार गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 50-50 दोनों टीम के, क्योंकि दोनों टीम एक खराब फॉर्म में चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।